आईपीएल में कल रात एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इस मुद्दे को जकड़ लिया गया है। स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला खेला गया। आरसीबी के किंग कोहली और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर के बीच मैदान में तू-तू मैं-मैं हो गई। दोनों दिग्गजों के बीच गर्मा-गर्मी बहस देखने को मिली। हालांकि बस देखने को मिली लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। कई प्लेयर्स बीच बचाव करने आए लेकिन विराट और गौतम पर तो अलग धुन सवार थी। धीरे धीरे घटना की कई सारी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी। पूरे मामले की शुरुआत कुछ वक्त पहले गौतम गंभीर के उस इशारे से हुई थी जो उन्होंने 10 अप्रैल की रात बैंगलोर को उसके घर में हराने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हूटिंग करते हुए दर्शकों को दिखाया था। अपने फैंस के इस अपमान की टीस कोहली के दिल में कहीं दबी हुई थी। वो वही गुस्सा कल रात मैच में निकालते हुए दिखाई दिए। विराट ने जब चौथे ओवर में लखनऊ के बल्लेबाज कुणाल पांड्या का कैच लॉन्ग ऑफ पर लपका तो उनका जोश देखने लायक था। वो स्टैंड्स की तरफ देखकर अपना सीना ठोक रहे थे, फिर फ्लाइंग किस दिया। इसके बाद मुंह पर उंगली रखकर शायद कोहली ने अपना बदला पूरा किया। ये सब डगआउट में बैठे गौतम गंभीर चुपचाप देख रहे थे। लो स्कोरिंग मैच में आरसीबी ने 18 रन से जीत दर्ज करते हुए अपनी पिछली हार का बदला भी ले लिया। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे। मसला यहीं से शुरू हुआ। अफगानिस्तान के नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद विराट कोहली को उनके टीममेट्स अलग ले गए। लखनऊ की पारी के दौरान जब नवीन बल्लेबाजी कर रहे थे तभी से विराट की उनकी तकरार हुई थी। विराट कोहली इसके बाद लखनऊ के ऑलराउंडर काइल मेयर्स के साथ बातचीत कर रहे थे तभी गंभीर गए और मेयर्स को बुलाकर अलग ले गए। दूर जाते हुए गंभीर लगातार कुछ कुछ कहते नजर आए लेकिन क्या कह रहे थे ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद विराट कोहली ने उनको इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। अमित मिश्रा और विजय दहिया, केएल राहुल, फैफ डुप्लेसी जैसे सीनियर प्लेयर्स भी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों भिड़ते रहे। इसी बीच विराट तो विजय दहिया पर भी झुंझलाते हुए नजर आए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव।